हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग में फर्दर एंट्री सीखेंगे। आपको यहाँ पे फर्स्ट एंट्री दी है ऑन 15 अगस्त 2013, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश ₹30,000। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 15 अगस्त 2013 को हमने बैंक लोन का रीपेमेंट किया है कैश में ₹30,000 में। अगर हम ने जो बैंक लोन लिए है हम उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, यानी हमारे लिए वो एक्सपेंस हो जाता है। तो एक्सपेंस के लिए एज़ पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट होता है। तो बैंक लोन हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गया कंपनी के लिए, क्योंकि उससे कैश हमारी जा रही है। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे और थ्रू द कैश यानी इन अ कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आप देख सकते हो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है, और जो अमाउंट हमने 30,000 ली थी वो अमाउंट। तो ट्रांजेक्शन हो जाएगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹30,000। इसी तरह से हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मूव कर रहे हैं ऑन 16 अगस्त 2013, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक ₹50,000। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे भी हमने बैंक लोन का रीपेमेंट किया है 50,000 का थ्रू द चेक। यानी ऊपर वाले ट्रांजेक्शन के जैसी ही सेम ट्रांजेक्शन है, लेकिन यहाँ पे रीपेमेंट चेक से किया था और यहाँ पे रीपेमेंट कैश से किया था। आप देख सकते हो ऊपर कैश से किया हुआ है और नीचे वाली ट्रांजेक्शन में आपको रीपेमेंट चेक से किया है। तो उसी तरह से हमें ट्रांजेक्शन पास आउट करनी होगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट। आप देख सकते हो हमने बैंक लोन यानी कि हमारा बैंक लोन एक्सपेंस हो गया है, तो हम उसे डेबिट साइड में मेंशन कर रहे हैं 50,000 से। और थ्रू द चेक हमने पेमेंट किया, इसलिए हमने यहाँ पर बैंक वर्ड यूज़ किया है। बैंक अकाउंट एज पर पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बैंक थ्रू हमने पेमेंट किया तो बैंक गिवर हो गया। तो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है ₹50,000 से। तो इसी तरह से क्योंकि हमने चेक में पेमेंट किया इसलिए बैंक वर्ड यूज़ किया, तो इसी तरह से हम इसकी ट्रांजेक्शन पास आउट करेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू बैंक अकाउंट ₹50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 16 अगस्त 2013, पेड कार्टेज ऑफ ₹100 इन कैश। यहाँ पे बताया है कि 16 अगस्त 2013 को हमने कार्टेज ₹100 का कैश में पेमेंट किया है, यानी कैश में हमने पे कर दिया है कार्टेज। कार्टेज यानी हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस होता है। तो एज़ पर नॉमिनल रूल्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट होता है, तो हम यहाँ पे कार्टेज अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कार्टेज अकाउंट को डेबिट साइड में रखा है। आप देख सकते हो कार्टेज अकाउंट डेबिट ₹100, और कैश में हमने किया है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट ₹100 से मेंशन किया है। तो हमें इस एंट्री की ट्रांजेक्शन पास करनी है यानी जनरल पास करनी है। तो हम इस तरह से जनरल पास करेंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट ₹100 टू कैश अकाउंट ₹100। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 17 अगस्त 2013, बॉट अ वन एंड इश्यू चेक ऑफ ₹4,00,000। यहाँ पे बताया गया है कि 17 अगस्त 2013 को हमने वान परचेज की है और उसके लिए हमने चेक थ्रू पेमेंट किया है ₹4,00,000 का। वान परचेज की यानी हमारे पास एसेट्स आई है, तो हम यहाँ पे परचेज वर्ड यूज़ ना करके वान वर्ड यूज़ करेंगे और उसको डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। और टोटल अमाउंट जो है वो अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे, और थ्रू द चेक हमने पेमेंट किया है तो हम यहाँ पर बैंक वर्ड यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है क्योंकि हमने बैंक थ्रू उसको पेमेंट किया है ₹4,00,000 का। तो अगर हमें इसी ट्रांजेक्शन यानी ये जो आपको एंट्री दी है उसकी ट्रांजेक्शन यानी जनरल पास करनी है, तो हम इस तरह से पास कर सकते हैं, वन अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि वो एसेट्स है, एसेट्स हमारे पास आ रही हैं, यानी एसेट्स अगर हमारे पास आ रही है तो हम उसे डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। तो वन अकाउंट डेबिट ₹4,00,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ₹4,00,000। इस तरह से हम उसकी ट्रांजैक्शन पास कर सकते हैं। थैंक यू।